दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल वी हेल्थ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अरंडी के तेल के फायदे बताऊंगा, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की रामबाण दवा है तो इस तेल का प्रयोग कैसे करना है, कैसे यूज करना है विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो मिनट तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अरंडी के तेल के ऐसे अनेकों फ़ायदे हैं, वो सब मैं आप लोगों को आज में बताऊँगा। पहला फायदा है दोस्तों कि यह कब्ज की रामबाण दवा है। आजकल कब्ज एक महामारी के रूप ले चुका है, काफ़ी लोगों को कब्ज की बीमारी हो रही है। तो आप लोग क्या करें, सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी कर लें, उसमें दो ढक्कन अरंडी का तेल डाल दें और पी जाएँ। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ा चहलकदमी करें, आपको लैट्रिन खुल के आ जाएगा। ऐसे आप एक हफ्ते यूज करेंगे तो आंतों में चिकनाहट पैदा हो जाएगी और बाद में स्वतः ही आपका लैट्रिन होने लगेगा। आप लोग जानते हो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, या तो आदमी पानी कम पीता है, या खाने में फाइबर की मात्रा नहीं होती है, या चिकनाई खाता है, या ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड खाता है, ड्रिंक्स करता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। आंतों में खराश हो जाता है, मल आंतों में चिपकने लगते हैं, इस वजह से जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी शुरू होती है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को स्तन में गांठ हो, वो इसको अरंडी का तेल पहले गांठ के ऊपर लगा लें और अरंडी के तेल के पत्ते पर थोड़ी अरंडी का तेल चिपड़ करके हल्की उसको आग पर सेंक करके हल्का गुनगुना हो और गांठ में जगह पे बांध के पट्टी बांध लेना है। इससे भी अब बहुत जल्दी स्तनी गांठ पिघल जाती है, गल जाती है, छोटी हो जाती है, कांच निकलना। आप दोस्तों देखा आप लोगों ने, बहुत से लोग जब लैट्रिन खुल के नहीं आती है, कब्ज होता है, तो जोर ला कर लैट्रिन करते हैं तो गुदा की कांच उनकी बाहर आ जाती है। तो जिन लोगों को या बच्चों को कांच निकलने की बीमारी हो, यानी वो जोर लगा जब लैट्रिन करते हैं, जोर ला के प्रेशर से ज़्यादा, तो कांच स्लिप करके बाहर आ जाती है, जो बहुत दयनीय स्थिति होती है। तो अगर उसको डेली क्या किया जाए, ये तेल थोड़ा गुनगुना कर लें, थोड़ा अरंडी का तेल गुदा में लगा लें और अरंडी के तेल के पत्ता का गुदा के बराबर साइज गोल साइज काट लें और उस पर गुनगुने अरंडी का तेल चुपड़ करके गुदा में रख करके और लंगोट पहन लेना है, या टाइट कोई कछिया पहन लेना है ताकि उसमें चिपका रहे। डेली करने से गुदा कांच निकलना की बीमारी बंद हो जाती है। दोस्तों, जिनके बाल और समय कुछ समय पकने लगता हो, बाल और समय झड़ने लगता हो, तो अरंडी के तेल का नियमित यूज करेंगे तो इससे बाल काले हो जाते हैं, घुघराले हो जाते हैं और नए बाल भी उगाते हैं। अरंडी के तेल में ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये अरंडी के तेल के कुछ खास फायदे बता दिए, आप लोग इसका चाहें तो उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। और ये आज नहीं, सदियों से, हजारों वर्षों से यह औषधीय रूप में प्रयोग होता आया है। और भी अरंडी के फायदे हैं तो समझ गए, तो आप लोग इसका यूज करें और लाभ उठाएँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।